दोस्तों, मैं शिवराज शास्त्री आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं एक बहुत सुपर हिट सॉन्ग, कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दूंगी। और आप लोग ये सोचते होंगे जैसे बॉलीवुड में लाखों करोड़ों गीत हैं, इनमें से जैसे अलग अलग तर्जों में है, ऐसा क्यों है? आज इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ, इतने बॉलीवुड में गाने जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से नहीं बनते हैं। तो बस बने रहिएगा। मेरा जो है मानना है कि जो लिरिक्स होती है वो मिक्स कर दी जाती है इधर की उधर, उधर की इधर, और गीत बन जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों बहुत सुपरहिट गीत हैं, 90 80 90 के दशक के। तो आज ये देखते हैं, पहले हम सीखते हैं कोठे ऊपर कोठरी, फिर हम आगे उस गीत को भी बताएंगे जो मिलता जुलता बिल्कुल जो है उससे मिलता, दोनों गीत जो है मिलते जुलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के प्रस्तुत करता है रियाजी, संगीत सीखने के लिए एक ऐसा ऐप जिस पर आपको हजारों बॉलीवुड गाने, गज़ल्स, भजन आपको सीखने के लिए और गुनगुनाने के लिए मिलेंगे। आप उन्हें बहुत आसान तरीके से गुनगुना सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत अच्छा संगीत घर बैठे, वो भी निःशुल्क। और इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अच्छा लगे तो इसे परचेस कर लें तो और ज़्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे। अरे कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी। अब इसमें हमारा दूसरा गीत बनता है, कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। सेम चीज, वही नोट्स हैं, वही पैटर्न है, वही तरीका है। अरे कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी। तो सेम, दोनों चीजें सेम बिल्कुल हैं, आंतरा भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, बिल्कुल लिरिक्स जो है एक ही आती है। तो देखते हैं, पूरा हम सीखते हैं इस गीत को अपना हारमोनियम पर बजाना किस तरीके से हम प्ले करेंगे। तो दोनों गीत आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपके आप इस पर भजन भी बनाकर गा सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, कोई कठिन नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा कि हाँ, किस तरीके से हमारा ये गीत हमने हारमोनियम पर प्ले किया। देखो, कोठे ऊपर कोठरी रे रे रे, हमारा गीत हमारा रे से उठ रहा है। अरे कोठे ऊपर कोठरी, कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल। सारे साने नी शुद्ध है, और यहाँ पर बात करें सभी शुद्ध हमारे स्वर हैं, लेकिन हमारा जो है गा जो है वो कोमल आ जाता है, तो बस वही सभी शुद्ध सुर लगेंगे और सब जो है और सब नॉर्मल सुर हैं। देखो, अरे कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी। अब इसका जो है स्थाई, चाहे आप यहाँ से बजाइए चाहे यहाँ से बजाइए, यहाँ से वही नोट से लगेंगे। अरे कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी। आप कहीं किसी भी स्केल से उसी नोट्स को लगाकर बजा सकते हैं, आप चाहे यहाँ से बजाते हो, चाहे आप यहाँ से बजाते हो, चाहे आप एफ शार्प से बजाते हो, चाहे जी शार्प से बजाते हो, कहीं से बजाते हो, यहाँ से बजाएं तो अरे कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी। जो अब इसी पर जो है हमारी उठान है, अरे जो मेरा सजना कहेगा मुझसे बाहों में भर लेने को, जो मेरा सजना कहेगा मुझसे बाहों में भर लेने को। किसी भी स्केल से बजाइए, आपका सेम बजेगा, ठीक है। तो स्थाई हमारी जो है वो यही है, अरे कोठे ऊपर कोठरी। इस स्केल से हमने सब स्केल से आपको बजा के दिखा दिया, यहां से मैं समझा रहा हूं। अरे कोठे ऊपर कोठरी, कोठे ऊपर कोठरी। और ओरिजिनल गीत जो है दोनों जो है ओरिजिनल गीत उनके चैनल पर, ओरिजिनल चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा। कोठे ऊपर कोठरी रे 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 गा रे सा 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 सारे
सारे सानी सासा कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूंगी। अब ये चला दूंगी सारे गा चला दूंगी कोठे ऊपर कोठरी। ये लास्ट पैसन है पूरा देखिए कोठे ऊपर कोठरी अब फिर मैं उस पर रेल चला दूंगी कोठे ऊपर कोठरी। क्लियर हो गया स्थाई 100% क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम आंत्रा की ओर तो आंत्रा देखिए जो मेरा सजना कहेगा मुझसे बाहों में भर लेने को जो मेरा सजना कहेगा मुझसे। अब ये जो है पूरी आंत्रा हमारी इसी उठान पर चलेगी। देखो जो मेरा सजना कहेगा मुझसे सा 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 रे मा मा पा 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 धा फिर मा गा रे सा जो मेरा सजना कहेगा मुझसे बाहों में भर लेने को जो मेरा सजना कहेगा मुझसे बाहों में भर लेने को दिल्ली बम्बई और पटना की लंदन की सैर करा दूंगी। अब ये बिल्कुल सेम चलता है हमारा उसी तरीके से एक बार और देखिए जो मेरा सजना कहेगा मुझसे आओ मेरे चाहने वालों जल्दी टिकट कटा लो तुम आओ मेरे चाहने वालों। ये लास्ट में पा पर रुकेगा पहली बार हमारा आओ मेरे चाहने वालों जल्दी टिकट कटा लो तुम आओ मेरे चाहने वालों जल्दी टिकट कटा लो तुम सा 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 रे मा मा पा 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 धा माँ का टच लेते हुए माँ गा रे सा आओ मेरे चाहने वालों जल्दी टिकट कटा लो तुम आओ मेरे चाहने वालों। पापर रोक देना है पहले हमें पूरा करना है आओ मेरे चाहने वालों जल्दी टिकट कटा लो तुम अब फिर दोबारा में आओ मेरे चाहने वालों अब फिर हमारा दिल्ली बम्बई और पटना की फिर हमारी स्थाई चालू हो जाएगी दिल्ली बम्बई और पटना की लंदन की सैर करा दूंगी कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूंगी कोठे ऊपर कोठरी। ये हमारा जो है पूरा गाना इसी पर आप आसान तरीके से बजा सकते हो। और दूसरा हमने बताया था आपको मेरे अंगने में वही पैटर्न तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में। अब ये चीज रे मा गा रे सा यही चेंज हो जाता है मेरे अंगने में कोठे ऊपर कोठरी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में जिसकी बीबी मोटी हो मोटी हम मोटी जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीबी मोटी वही बिल्कुल सेम पैटर्न है वही तरीका है जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है गोद में बिठा लो या अरे हाँ अरे बिस्तर पे सुला दो गद्दे का क्या काम है मेरे अंगने में। अब ये चीज़ है ठीक है तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। दोनों की जो है उनके ओरिजिनल चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा। मुझे तो इतना कुछ ज्ञान है नहीं तो मैं जान सकूं ये चीज़ रियल है कि लेकिन हाँ सुरों से लग रहा है कि हाँ ये दोनों गीत मिलते जुलते हैं। तो आई होप जो है काफ़ी अच्छा वीडियो आप लोगों को लगा होगा। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।